हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक मेक स्टडी। जब बहुत से लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम बुक्स कौन से रिफ़र करें, तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप एक्चुअली गेट और ईएससी के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली कौन से बुक्स रिफ़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी जिसमें से आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लिए, और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लिए पी के नाक बहुत अच्छी बुक है और मैं ज़्यादातर उसको रिफ़र करूँगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सिंपली तरीके से आपको सब कुछ अंडरस्टैंड किया गया है। सेकंड इज सेगल एंड बोल्स, ये भी अच्छी बुक है पर ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, इसलिए पी के नाक ही आपको लेनी चाहिए। सेकंड है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर वेल्डिंग, फॉर्जिंग, मेटलिंग, कास्टिंग ये सब कुछ आने वाला है। उसके लिए कल्पक जैन, इसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं, डायग्राम्स जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अमिताभ घोष और मलिक, अमिताभ घोष एंड मलिक के अंदर के जो पॉइंट्स है वो आपको एग्ज़ाम में आए हुए पेपर्स के जो एमसीक्यूज़ है वो टोटल उसके अंदर से आए वाले दिखेंगे। मतलब अमिताभ घोष को अगर आप रेफ़र करते हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आए वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर वो अमिताभ घोष में से ही आए हुए हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन के अंदर पी एन राव वॉल्यूम 1 और 2, ये दो सेपरेट बुक्स आती है जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करती है, तो आप इसे भी रिफ़र कर सकते हैं। फोर्थ है मिकेल ग्रोवर प्रोडक्शन के लिए, जो भी एक अच्छी बुक है। इसके बाद आएगा थर्ड सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन के लिए आप वीवी भंडारी ही यूज़ करें क्योंकि वीवी भंडारी के अलावा अगर कोई बुक्स अगर आप रिफ़र करते हैं तो वो सीधा कन्फ्यूज़न को इंक्रीज़ करने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मशीन डिज़ाइन के लिए वीवी भंडारी ही यूज़ करें। फोर्थ है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन के लिए सी पी अरोरा एक टॉप लेवल बुक है, आप सी पी अरोरा को ही रिफ़र करिए। और अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो आर एस खुरमी, बस उसके आगे कुछ भी नहीं। फिफ्थ सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर एस एस रतन, आर एस खुरमी या वी पी सिंह, ये तीनों में से आप कोई भी बुक इजीली यूज़ कर सकते हैं, तीनों भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के लिए यू सी जिंदल बहुत अच्छी बुक है, उसके बाद डब्ल्यू डी कैनिस्टर और आई पी सिंह भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यू सी जिंदल के अंदर से ही आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेवन्थ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए भी यू सी जिंदल ही बहुत शानदार बुक है, तो उसको आप रिफ़र करिए। इसके बाद देखते हैं आई सी इंजिन के लिए, आई सी इंजिन के लिए एम एल माथुर और आर डी शर्मा, ये दो कंबाइन ऑथर की एक बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है एम एल माथुर आर डी शर्मा की आई सी इंजिन के लिए। इसके बाद है फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स के लिए आर के बंसल एक बेस्ट बुक है, और उसके बाद डी एस कुमार या फ्रैंक एम वाइट, ये दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, पर आर के बंसल बेस्ट है। हीट एंड मास ट्रांसफर के लिए पी के नाग, आर सी सचदेवा, डी एस कुमार, जे पी होलमैन, और इसके अंदर आर सी सचदेवा और पी के नाग के दो ऑथर की बुक्स आपको दोनों में से एक चूज़ करनी होगी क्योंकि इनमें से ही बहुत से क्वेश्चंस आपको यूपीएससी या कोई अदर स्टेट लेवल सर्विस के एमसीक्यूज़ में दिखेंगे। इसके बाद देखते हैं वाइब्रेशंस के लिए, वाइब्रेशन के लिए जीके ग्रोवर बहुत शानदार बुक है। कॉम्प्रेसिबल फ्लो, कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपको चॉइस है ही नहीं, एस एम यान्ना ये एक ही बुक है जो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है टॉपिक को। उसके बाद है गैस टर्बाइन एंड प्रोपल्सिव सिस्टम, उसके अंदर पी आर खजूरिया एंड एस पी दुबे और वी गणेशन, पर खजूरिया ही ज़्यादा चलती है। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशनल रिसर्च के लिए, जिसके लिए कांति स्वरूप तो बहुत फेमस है और कांति स्वरूप ही बेस्ट है, अगर सेकंड ओपिनियन लेना चाहेंगे तो नटराजन और बाला सुब्रमण्यम। इसके बाद है पावर प्लांट, पावर प्लांट के लिए आर यादव एक सिंप्लीफाइड बुक है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल आपको बहुत लो प्राइस में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हम ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को लेके। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, टैग कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक्स देते रहिए। थैंक यू।